दोस्तों, अगर आप पंजाबी खाना खाना चाहते हैं अहमदाबाद के अंदर, और वो भी पराठे खाना चाहते हैं, तो पराठे के लिए स्पेशल जगह मैं आज आपको बताता हूँ, अपना पंजाब परोठा। दोस्तों, ये मानसी सर्कल से जैसे ही आप वस्त्रापुर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको राइट साइड ये पड़ेगी दुकान। दोस्तों, यहाँ मैं 7-8 साल से खा रहा हूँ। पहले ये जो आपको सर जी दिख रहे हैं, उनके मदर फादर भी यहाँ पे बैठते थे और यही पराठे बनाते थे, लेकिन अब दुकान बड़ी हो गई है और काफ़ी इनका बिजनेस आगे निकल चुका है, तो अब काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी हैं यहाँ पे। तो इतना अच्छा टेस्ट देने के लिए पहले अपना पंजाब को बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पहले आपको अपना नाम लिखाना होगा। बता दूं दोस्तों, मेनू बता रहा हूँ, आप पोस्ट करके सारा प्राइस पढ़ सकते हैं। अब काफ़ी आइटम हो गए, पहले तो एक ही पेम्पलेट हुआ करता था जहाँ सिर्फ अलग अलग पराठे मिलते थे। 100 रुपीज़ से दोस्तों पराठा यहाँ शुरू होता है। यहाँ की पहले हाईलाइट्स बता दूँ दोस्तों, पराठा यहाँ की हाईलाइट्स है, राजमा चावल यहाँ की हाईलाइट्स है, और लस्सी, पटियाला लस्सी। मैंने नंबर और एड्रेस भी आपको दिखा दिया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इनको कांटेक्ट करना चाहे तो। और दोस्तों, यहाँ पे फिर भाई साहब आएंगे, जैसे कि हमारे सामने भाई साहब आए हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, फिर आपको ऑर्डर देना है, आपको ऑर्डर एक साथ आता है। ये सर्विस की बड़ी खासियत है। हमने 4 पराठे ऑर्डर किए थे, 4 पराठे एक साथ आए थे। पराठे में आ गया, आपको दिखाता हूँ, गार्लिक पराठा मंगाया था, गार्लिक चीज़, गार्लिक आलू, गार्लिक, फिर मंगा यहाँ का दूसरा जो पराठा फेमस है दोस्तों, दही के साथ, मक्खन के साथ, फिर मक्खन लगाया जाता है और फिर आपको दही, अचार और चटनी भी दी जाती है। तो इस तरह से बहुत हेवी पराठा होता है। अगर आप डिसेंट खाने वाले इंसान हैं तो रात के खाने में आपको एक पराठे में आपका भर पेट भर जाएगा। राजमा चावल भी दोस्तों यहाँ का फेमस है, वो भी आपको ट्राई करने को कहूँगा। बाकी अब मंचूरियन वगैरह भी सब कुछ मिलने लगा है, कुलचे वगैरह भी मिलने लगे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो मानसी सर्कल से आगे वस्त्रापुर की ओर अपना पंजाब ट्राई करना मत भूलिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। देखिए, ये सीधा हम वस्त्रापुर की ओर जाएंगे, ठीक है, और हमारे पीछे की ओर मानसी सर्कल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।